तो जी गुड इवनिंग गाइस, दिस इज पीके बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो एंड अ लेटेस्ट कार फॉर यू। अब ये जो गाड़ी सामने फ्रेम में नजर आ रही है, जानी पहचानी होगी, बहुत से बंदे कमेंट करके बता सकते हो मुझे, बाकी फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये VW की वेंटो है। अब ये डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, बट इसके चाहने वाले अभी भी बहुत हैं बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ इंजन, और इसकी परफॉर्मेंस जो होती है बड़ी ज़बरदस्त रहती है। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस कार के बारे में, ताकि आप देख सको कि कंडीशन कैसी है। फिर इसके ओनर से आपकी मुलाकात कराएंगे, उसका ओनरशिप जानेंगे और उनसे पूछेंगे इसमें क्या क्या लोडिंग की हुई उन्होंने। तो इसमें भाई इसमें लोडिंग कर रखी है 1.5 से 2 लाख रुपए की, और उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपने यहाँ देख रखा है EBC ब्रेक्स, RPM इसने करवा रखा काम। तो भाई इसके ओनर को बुलाते हैं। भाई ये ओनर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल भाई। निखिल भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। भाई इनका नाम है निखिल सूरी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो निखिल अपने बारे में। मेरा नाम भाई निखिल सूरी है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। तो भाई निखिल एक्चुअल में मुझसे बहुत बार, मतलब मैं निखिल से बहुत बार कह रहा है रिव्यू कराओ, हमें बहुत मतलब टाइम कम मिलता है ऑफिस की वजह से। अब देखो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा दिखा दूँ, भाई ने ऐसा शौकीन है भाई ने, मतलब शौकर वगैरह पता नहीं क्या कर रखे हैं, इसके बारे में जानेंगे। अंदर आ जाओ, अंदर चलते हो, बात करते हैं भाई निखिल, अंदर चलो। तो अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के बात करेंगे। थोड़ा सा इंटीरियर दिखा दूँ अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें, देखो काफ़ी नीट एंड क्लीन इसने मेंटेन किया हुआ भाई ने। और रियर सीट पर मैं जाऊँ तो एकदम ऐसा है जैसे कि शोरूम कंडीशन वाला, कहीं कोई दाग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेंट पेंट कुछ नहीं, अच्छी कंडीशन में। आओ भाई निखिल भाई आओ, चलो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी एसी चलता रहे और भाई से जानते रहेंगे कौन सा मॉडल है, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा इंटीरियर में तुम्हें डैशबोर्ड दिखा देता हूँ ये वेंटो का, बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो जान जाता है। तो भाई अब मुझे आप ये बताओ ये कौन सा मॉडल है भाई? ये है भाई 2018 का वेंटो हाईलाइन प्लस मॉडल है, ये DSG के साथ है, 1.2 टर्बो पेट्रोल है इसमें, 7-speed DSG है। एंड ये मैंने गाड़ी ली थी नवंबर में, दिस इज अ सेकंड हैंड कार। अच्छा, यूज्ड ली थी आपने, और कितने की ली थी भाई? यूज्ड ली है 720 की, 720 की ली थी आपने। और इसको लेने के पीछे का रीजन बताओ मुझे, क्योंकि जैसे कि आप, मेरे गाड़ी का लेने का ये था कि मेरा 3-4 साल से एक प्लान था कि एक फोक्सवैगन या जर्मन गाड़ी ओन करने का, एंड मेरा नवंबर में अचानक से प्लान बन गया कि मैं पुरानी गाड़ी सेल आउट करके आई वांटेड टू अपग्रेड, सो दिस वाज द बेस्ट चांस कि मैं एक फोक्सवैगन की गाड़ी ओन कर लूँ। सो मैंने बहुत गाड़ियाँ ढूंढी, मैंने आराम से 15 से 20 पोलो वेंटो चलाई, तब जाके मेरे को ये गाड़ी समझ आई। तो आई गॉट इट फॉर 720 एट दैट टाइम इन नवंबर 23, एंड इट वॉज ओनली ड्रिवन 52,000 किलोमीटर्स, and now it's driven 68 something, तो 18,000 मैंने चला दिए जब से लिए मैंने, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, मतलब 18,000 चलाने का। तो मैं निखिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जैसे इंडियंस होते हैं, टेक्निकली थोड़े मनी माइंडेड होते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं तो यूज्ड सोचते हैं कि कम पैसे में मिल जाए चलाएं, तो मतलब आपने ये नहीं सोचा कि यार एक तो ये डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, VW की गाड़ियों का मतलब सर्विस स्टेशंस कम होते हैं, और ऐसा मिथ है क्या कहते हैं कि इनकी एवरेज कम होती है, मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है, वो एक्सपीरियंस शेयर करो कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ से कराते हो, ये सब मुझे शेयर करो, आप मेरी ऑडियंस जानना चाहते हैं। देखो बात ऐसी है, लोगों का मिथ है कि फोक्सवैगन की गाड़ी बहुत तेल पीती है। इट्स लाइक कि अगर आप इस गाड़ी को इज्जत से आराम से 70-80 या मैक्सिमम 100 तक भी चलाओगे ना, तो ये गाड़ी आपको आराम से 13 से 15 की एवरेज दे देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज के मामले में ये गाड़ी ख़राब नहीं है, वो तो आप किसी भी गाड़ी को आप तेज खींचना शुरू करो तो वो यही है, फोक्सवैगन क्या मारुति की गाड़ी भी नहीं देगी आपको एवरेज। तो इट्स अबाउट द ड्राइविंग स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो आप मेरे को बोल रहे थे कि इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होती है, सर्विस कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आप अगर आप रेगुलर इंटरवल में ओनली ऑयल चेंज करवा रहे हो तो ज्यादातर 5 से 6 हज़ार रुपए में फोक्सवैगन में ही होती है। इसका मैंने जब ली थी गाड़ी तब मैंने फोक्सवैगन में चेंज करवाए थे जस्ट द ऑयल, तो मेरा 5.5 हज़ार रुपए का बिल आया इंक्लूडिंग द लेबर, तो दैट्स टोटली फीजिबल फॉर मी, इतना तो चलता ही है यार, गाड़ी लोगे तो फिर तो सर्विस करवानी पड़ती है। एंड थर्डली आपने क्या पूछा था मुझसे, जैसे मतलब क्या है यूज्ड कार में यही प्रेफरेंस किसी को लेनी है तो क्यों ले वो, मतलब क्या रीजन है इसको लेने का? देखो मेरा तो, मैं तो शौकीन बंदा हूँ, मेरे को गाड़ी मॉडिफाई करनी थी तभी मैंने एज अ प्रोजेक्ट गाड़ी ये ली है,
ठीक है, तो मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। जब आप VW के शोरूम में गए थे इसको लेके, उनका कैसा रिएक्शन था और उन्होंने कैसे ट्रीट किया, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से बंदे दे आर स्केयर्ड एक्चुअली कि मतलब जाएं तो यार पता नहीं कितने का बिल बना देंगे। हालांकि आपने बता दिया कि आप 5,000 का बिल आते, बट वो कैसे ट्रीट करते हैं जैसे एज ए यूज्ड कार आप लेके गए थे? नहीं, तो आई वुड से मैंने फर्स्ट टाइम Volkswagen विजिट किया था एंड उनका बहुत फ्रेंडली नेचर था, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को ट्रीट किया। एक एक चीज बताई कि ये सर ये आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर सकते हो ठीक, या अगर आप नहीं ठीक करवाना चाहते तो इतने टाइम तक वो प्रॉब्लम चल सकती है एंड वो गाड़ी पे कोई हैम्पर नहीं करेगी चलने में। तो एज सच मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहां पे। Volkswagen मैंने ओखला कैपिटल ओखला से करवाई थी एंड ये गाड़ी प्रीवियसली भी वहीं से 0 किलोमीटर से आज तक लेके 50,000 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उनके। चलिए ये बहुत अच्छी बात है मैं सुन के। अब आपसे बात करते हैं इसकी, कहते हैं कि आपने क्या क्या लोडिंग कराई है इसमें, लोडिंग के बारे में बताओ मुझे। भाई लोडिंग से स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैंने मॉडिफिकेशन शुरू करवा दी है इसकी, बट इट्स अ प्रोजेक्ट कार, स्टिल मैं करवा रहा हूँ इसमें, बिट्स एंड पीसेस में काम हो रहे हैं। अभी अभी क्या कराई है वो अभी स्टार्ट करें तो ये गाड़ी अभी Stage 2 पे है। Stage 2 ECU एंड TCU ट्यून हुआ हुआ है Venom परफॉर्मेंस से, जिसमें ये रफली अबाउट 145-150 के अराउंड हॉर्स पावर निकाल रही है एंड 250 Nm स्टॉक टॉर्क है। तो जो स्टॉक आती थी दैट वाज 103 या 104 हॉर्स पावर एंड 175 Nm टॉर्क। सेकेंडली जो मैंने इसकी ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स में मैंने इसके रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स ये मैंने अपग्रेड करवाए हैं, ब्रेम्बो के स्लॉटेड रोटर्स है एंड अपनी EBC की ग्रीन स्टफ है ब्रेक पैड। तो इससे माइलेज पे कोई फर्क पड़ा उसके हॉर्स पावर इंक्रीज कराने पे? यार देखो वही है, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आप इसे इज्जत से चलाओ, चाहे आप हॉर्स पावर भी बढ़ा लो, गाड़ी एवरेज देगी देगी। अब मैं नहीं चलाता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे को अगर आप मेरे से अभी पूछो तो ये 7-8 की एवरेज देती है, देती आप अगर मैं इसे इज्जत से चलाऊं तो ये 9-10 दे देगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, चलो ये तो आप बहुत अच्छा, आप इसे देखो ये ग्लव बॉक्स भी काफी बढ़िया दिखा दें अपने ऑडियंस को। इसके पॉजिटिव्स के बारे में बताओ और नेगेटिव्स के बारे में बताओ जो जेन्युइन आपको लगते हैं। पॉजिटिव्स तो भाई जो इसका ड्राइविंग फील है, जो स्टेबिलिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, इज टोटली अनमैच्ड विद एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। यही था मेरा पॉइंट लेने का। और नेगेटिव्स क्या है इसके? नेगेटिव्स तो भाई मैं कुछ तो होंगे जो आप शेयर करना चाहते हो यार, अब वो तो देखो पिन पॉइंट करने वाली बात है। नहीं फिर भी जैसे आप लगता है जैसे मान लो ग्राउंड क्लीयरेंस को लेके जैसे जनरली होता है नेगेटिव। हाँ। जो मेरे को एक ही चीज लगता है, अगर ये मेरा DSG खराब हुआ तो ये एक अलोन इज फॉर 4.5 लाख। तो ये इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव है, कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स इसके एक्सपेंसिव है, तो इसलिए रेगुलर सर्विस कराते रहना चाहिए। मैं आपको की दिखा देता हूं, ये स्टॉक की है ये? नहीं, आपने ये तो मेरी अच्छा दूसरी चीज है, ये दिखाओ स्टॉक की, दिखाना एक बार मुझे। तो भाई ये है VW की, VW की फ्लिप की स्टॉक की, और इसमें VW का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। इंजन में कुछ चेंज कराया था वो देख लें एक बार, इंजन पे खोलना। चलो भाई इंजन पे देखते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये BMC एयर फिल्टर से, मतलब एयर फिल्टर विल्टर सब चेंज हो गए हैं। एयर फिल्टर ये BMC का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर है और यूरोस्पेक एयर चैनल गाइड होता है। अच्छा यहाँ लगवाया हुआ है मैंने और एंड बाकी सब तो नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल। बाकी ये शॉकर तुमने करवाया नीचे यहाँ पे है ना? ये शॉकर की बात करें तो ये मैंने ओरिजिनल स्टॉक शॉकर्स हैं एंड उसमें मैंने इसके स्प्रिंग्स चेंज करवाए हैं, दैट इज डॉक्टर नैनो के लोअरिंग स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। तब ये ग्राउंड क्लीयरेंस काफी लो होगी यहाँ से, तो ये टर्न करते हुए लगते नहीं है कि जब एक उंगली की भी डिफरेंस नहीं है, गैप नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, मैं देख रहा ना ऐसे। तो ये जब टर्न करते हो कहीं पे साइड में नहीं लगते? सही नहीं लगता। चलो ठीक है, तो भाई ये थे निखिल जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया इसमें, क्या लोडिंग कराई है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो भाई वीडियो को देखते रहना, इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल बनाए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।